फर्रुखाबाद के बस स्टैंड के सामने स्थित कायमगंज कोल्ड स्टोर में 22 तारीख से चल रहे श्री सर्वमंत्रमयी धाम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 8 दिन तक विभिन्न पूजा विधियों द्वारा पूर्ण हुआ। मंदिर के दर्शन कर भक्तों ने धर्म लाभ उठाया। फिरोजाबाद में जन आधार कल्याण समिति संस्थापक के जन्म दिवस एवं यातायात माह के अवसर पर मिशन शक्ति व पर्यावरण संरक्षण के तहत प्राथमिक विद्यालय पिपरौली न्याय पंचायत मोहम्मदी ब्लॉक नारखी में चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता के साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें 35 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। समस्त प्रतिभागी बच्चों को संस्था द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। फाउंडेशन और जन कल्याण आधार समिति दोनों बधाई के पात्र हैं। उन्होंने समाज में संवेदनशील जैसे प्रकरणों को आप लोगों के द्वारा जन जागरूकता का कार्यक्रम जो कराया जा रहा है, निश्चित रूप से दोनों संस्थाएं बधाई के पात्र हैं और यहाँ के हेडमास्टर बधाई के पात्र हैं और यहाँ के ग्राम प्रधान विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। उन्होंने हेडमास्टर के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय के विकास में और सामुदायिक सहभागिता के क्षेत्र में जो बेहतर सहयोग किया है, निश्चित रूप से विकास का ये विद्यालय बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है। इसके लिए यहाँ के ग्राम प्रधान को और हेडमास्टर को भी बधाई, यहाँ के पूरे स्टाफ को बधाई, वो अपने बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए बेहतर कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रज प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर हृदेश चौधरी ने बताया कि आम आदमी पार्टी से जुड़ने और सदस्य बनने के लिए एक रुपया भी नहीं लिया जा रहा है, बल्कि निशुल्क सदस्यता दी जा रही है। इसके लिए पार्टी हाईकमान की ओर से हर जिले में 10 पदाधिकारी चयनित किए गए हैं। सहारनपुर में करीब एक माह पूर्व खनन अधिकारी, उपजिलाधिकारी, एआरटीओ सहित कई अधिकारियों की टीम द्वारा खनन वाहनों पर कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में खनन जब्त किए गए। जब्त वाहन के करीब 2 लाख शुल्क जमा न करते हुए वाहन रिलीफ के फर्जी आदेश लेकर वाहन स्वामी और एक अन्य शख्स थाने में पहुंचे। थाना अध्यक्ष सचिन पुनिया की सूझबूझ के चलते फर्जी लेटर का खुलासा हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। एटा में प्रवर्तन निदेशालय का अधिकारी बताकर और छापे का डर दिखाकर व्यापारी से 22 लाख की ठगी की गई। व्हाट्सएप कॉल पर व्यापारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया और अपने खाते में 22 लाख डलवा लिए। ठगी का शिकार होने के बाद व्यापारी ने थाने में तहरीर दी। तहरीर के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर खोजबीन की। बरेली के पीलीभीत बाईपास पर प्लांट की कब्जेदारी को लेकर दिन दहाड़े फायरिंग हुई थी, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के आदेश पर एसपी सिटी ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें गोलीकांड में गैंग लीडर समेत 33 माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में FIR दर्ज की गई है। बरेली के थाना इज्जत नगर के अंतर्गत एक गैंग जिसका लीडर राजीव राणा है, वह उस गैंग के 32 अन्य सदस्यों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इस गैंग का यह कार्य रहा है कि ये क्रिमिनल फोर्स यूज करते हुए सरकारी भूमि व अन्य भूमियों पर अवैध कब्जा करने के इन्होंने प्रयास किए हैं। पहले एक ऐसे ही मुकदमे में ये पहले जेल भी जा चुके हैं और अब इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बारादरी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। बारादरी पुलिस ने भरतौल रोड कच्चा रास्ते से मुखबिर की सूचना पर 3 चोरों को 3 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने 3 चोरों के खिलाफ BNS की कार्रवाई कर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। वीरगंज पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने जाति सूचक शब्द कहने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। CO गौरव सिंह ने 4 अभियुक्तों के खिलाफ SC एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। दिनांक 26 नवंबर 2024 को थाना मीरगंज पे कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने की घटना घटित हुई थी, जिसके संबंध में थाना मीरगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 28 नवंबर 2024 को घटना में शामिल 4 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। नवाबगंज कोतवाली पुलिस ने अलग अलग जगहों से 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जुआरियों से ताश की गड्डियां और 8,000 रुपए बरामद किए। नवाबगंज कोतवाली पुलिस ने 14 जुआरियों पर जुआ अधिनियम की कार्रवाई कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। बरेली के सीबीगंज में जिलाधिकारी और सहायक आयुक्त बरेली मंडल श्री संदीप कुमार के निर्देश पर औषधि निरीक्षक श्रीमती अनामिका अंकुर जैन और श्री राजेश कुमार ने थाना सीबीगंज पुलिस बल के साथ मिलकर ग्राम तिलियापुर में छापा मारा। लखीमपुर महोत्सव में लाखों की संख्या में भीड़ को काबू करने व कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने को लेकर खीरी जिले की DM SP ने CO रमेश कुमार तिवारी को उत्कृष्ट कार्यशैली के लिए महोत्सव कार्यक्रम में सम्मानित किया। बताया जा रहा है कि 5 लाख से ज्यादा भीड़ की संख्या व्यवस्था को वह बखूबी निभाते हैं।